छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर है लेकिन मौसम देखिए, और ये जो मौसम है आज का, ये अचानक बना हुआ है। अभी मैं फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ था और बैठा हुआ था अंदर, और मुझे आवाज़ आएगी। धूप भी और बारिश भी, भाई कमाल है ये मौसम। जब छोटे थे हम लोग तो बोलते थे कि बंदरों की शादी हो रही है, जब ऐसा धूप और बारिश एक टाइम पे होता था ना। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, 2 मिनट पहले तक, और अभी अचानक मौसम चेंज। ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई ही नहीं थी यहाँ पे। आजकल के मौसम का भी क्या कहना भाई। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? घूमने के लिए निकले हैं, अभी मौसम तो खराब है एक दो दिन से यहाँ पे, और अभी कोतबा में ही हम लोग गजियाडी जा रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ सत्या भाई नहीं, आज मेरे साथ रुपेश भाई हैं। मैं मिलाता हूँ आपको, इधर हैं। तो साथ में अभी चल रहे हैं हम लोग स्कूटी पे, यहाँ रुक गए थे तालाब के पास। चल ले स्कूटी में आ तू ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना सुंदर नजारा है ना, और इधर धान की कटाई चल रही है। यहाँ पर देखिए रोड के बिल्कुल किनारे, इसको भी देखिए भाई, ऐसे लगता है। ये एक है ये मस्त है, ये देखिए। साइकिल तो मैं चला रहा हूँ लेकिन बिल्कुल स्टॉप रुका हुआ भाई। साइकिल साइकिल मेरी, ऐसे वाला टिकटॉक में वायरल हुआ था ना, ये वाला सही लग रहा। ले तू भी कर उधर से, आजा आजा ला, ये वाला मजा आएगा। मोबाइल आइए दोस्तों, कभी आप लोग भी हमें ज्वाइन करिए। और इस तरह से मौसम तो बहुत खराब है, और ये पता नहीं क्या है, इससे एक्सरसाइज करने करे बाबा इसको। चलो ये पूरा क्रिश्चियन बस्ती है दोस्तों। ये खाने हैं दोस्तों हम लोग, चिकन बिरयानी यहाँ गंजियाडी से। यहाँ गंजियाडी से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं दोस्तों। फाइनली सत्या भी मिल गए दोस्तों। हाय। आज बहुत बिजी चल रहे थे भाई। ये गाड़ी भी माही लिखवाया, उसके सिस्टर का नाम है। और सत्या भाई कहाँ जा रहे हैं आप? कोतबा जा रहे हैं। क्या आप हमें घुमाएंगे सर? घर आ गया हूँ दोस्तों, मैं बाद में मिलता हूँ मैं आपसे, शायद कल।
मैं रांची में हूँ दोस्तों, यहाँ शूट के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया यार, शूट का डेट बढ़ गया। यहाँ लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन दोपहर के 2 बजे तक, तो शूटिंग भी 2 बजे तक ही हो सकता है ना। परमिशन नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुआ छोटा सा। अभी तो फिलहाल मैं अकेला हूँ, सब लोग जा चुके हैं। और ये डिसाइड हुआ कि 10 तारीख के बाद सोचेंगे। जब 10 तारीख को, 10 तारीख तक यहाँ पर ये नियम है जो 2 बजे तक वाला, तो वो चेंज होगा कैसा होगा तो मुझे वापस जाना पड़ेगा घर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ रुक के, मैं सोच रहा हूँ मैं मॉर्निंग में ही निकल जाऊँगा। अभी टिकट कर लूँगा। मैं एक ट्रेन देख रहा था, मैं मॉर्निंग में है 8:55 में झारसुगुड़ा के लिए। वहाँ मैंने बाइक छोड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है भाई। आज मुझे अकेला रहना पड़ेगा यहाँ पर, और अकेला मुझे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किचन में भी कुछ नहीं है बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता। आदित्य भैया लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पर अकेले क्या करेंगे, है ना। तो वो अपने घर में रहते हैं कांटे टोली में। ये उनका ही फ्लैट है वैसे, खरीदा हुआ है, रेंट पे नहीं रहते। लेकिन अभी शूटिंग वगैरह सब बंद है। ये फ्लैट उनका ऑफिस भी है, सारे शूटिंग के जितने काम होते हैं, जो भी डील करना होता है, मीटिंग करना होता है, वो सब यहीं होता है। लेकिन अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो अपने घर में रहते हैं कांटा टोली में। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज वापस घर के लिए, निकलने वाला हूँ। ट्रेन से जाऊँगा, यहाँ से भी रांची रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, इधर से ही निकालेंगे। पिंकू आदित्य भैया छोड़ने के लिए जा रहे हैं मुझे। ये कौन सा बजा रहे हैं? एक जगह रुके हुए हैं और ये लिट्टी चोखा खा रहे हैं हम लोग, आज का नाश्ता। पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं रांची रेलवे स्टेशन। बस अभी एंट्री लेना है। यहाँ एंट्री लेने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़। हाँ होता है वहाँ पे, लेकिन मैं उड़ीसा उतरूंगा ना, उड़ीसा उतर के फिर वहाँ बाइक से। कोरोना टेस्ट के लिए मैंने सैंपल दे दिया है, रिपोर्ट मेरे फ़ोन पे आएगा। अभी बड़े नियम कानून चल रहे हैं। उस दिन भी यहाँ पर जब मैं एग्ज़िट लिया, एग्ज़िट लेने से पहले ये एक ठप्पा लगाया गया ये क्यों बताता हूँ, ये जल्दी नहीं मिटता, 3-4 दिनों तक तो मिटेगा ही नहीं। मतलब आपको होम क्वारंटीन रहने के लिए बोला जाता है जब आप बाहर घूम रहे होते हैं, और ये चिन्ह अगर किसी ने देखा, पुलिस वाले ने खास करके, तो वो बोलेगा कि यार आपको तो होम क्वारंटीन रहने के लिए बोला गया है ना, तो आप बाहर क्यों घूम रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा और ट्रेन आ रही है इधर। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए कैमरा, अरे यार किनारे से निकल जाना यार। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए कराची से बड़वा कैमरामैन चांद नवाब। जम्मू तवी संबलपुर, ये ट्रेन जम्मू तवी से आ रही है, संबलपुर को जाएगी। काहे हड़बड़ा रहे हैं भाई। ये भी 3 पहुंच गया मैं। छब्बीस नंबर। ये सीट अपन का है लेकिन मैं यहाँ बैठ जा रहा हूँ यार, ये खाली है। तो हाँ कम देता है, क्यों नहीं देगा। मेरे को झारसुगुड़ा जाना है। एक्स्ट्रा एसी का तो ज्यादा ही रहता है। ओके भाई झारसुगुड़ा। भाई यहाँ भी कोरोना टेस्ट हो रहा है, आज ही तो कोरोना टेस्ट करवाया था यार, एक बार फिर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा भाई।
अभी उसका रिपोर्ट आया नहीं कि यहाँ पे, यहाँ लाइन पे तो लगा हुआ था मैं, लेकिन एक पुलिस वाले को बोला कि मैं यहाँ इस राज्य में नहीं रहने वाला हूँ, बाइक है मेरा यहाँ पार्किंग में, मैं भी चला जाऊँगा ये राज्य छोड़ के छत्तीसगढ़। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर आप जाइए। और नमस्कार, यहाँ बाइक खड़ी है मेरी, ये रोड सारा कुछ सुनसान है दोस्तों, बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही हैं। इधर भी वैसा कुछ सिस्टम है 2-3 बजे तक मार्केट ओपन रहने का झारसुगुड़ा में, मतलब शायद पूरे उड़ीसा में। फिर स्टेशन आया था मैं, यार चार्जर भूल गया मैं ट्रेन में। वेयर इज़ माई ट्रेन वाले ऐप में देखा कि ट्रेन यहीं रुकी हुई है और आने से जस्ट पहले वो निकल गई, नया लेना होगा। झारसुगुड़ा से घर पहुंचने के बाद यहाँ गंजियाडीह मंदिर आया हुआ दोस्तों मैं फैमिली के साथ। ये मेरे जीजू हैं न्यू वाले और ये मेरी सिस्टर, मुझसे बड़ी है लेकिन छोटी दिखती है। ये मेरे बड़े वाले जीजू हैं दोस्तों और ये छोटे वाले। बड़े जीजू ने अभी कार लिया हुआ है तो पूजा करवाने के लिए आए हुए हैं। धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि पूजा हो रहा है। और ये हमारे अगल बगल की लड़कियाँ रेखा और ये कुंती और ये पंडित जी। कुछ दिखाता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। ये जो ज्योतियाँ हैं ये भक्तों के द्वारा प्रचलित हैं और इसमें सबसे पुरानी जो ज्योति है वो ये प्रथम ज्योति है जी। आज इस ज्योति को लगभग 24वां वर्ष चल रहा है। अच्छा। और सितंबर 97 से चल रही है ज्योति, और इसके बाद कुछ ज्योतियाँ 15 वर्ष, कोई ज्योति 12 वर्ष जी, कोई ज्योतियाँ 6 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे करके लोग अपने हिसाब से इसको जलवाते हैं और फिर जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो फिर वो अखंड आजीवन तक चलता है। अच्छा। बस माता रानी की कृपा है जी, धन्यवाद। माता रानी की जय। ओके भाई पूजा पाठ। ये जो वीडियो था यही भक्ति भावना के साथ एंड करते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपसे, टेक केयर।